press the bell icon for all the updates. तो कहीं ना कहीं पूजा ने जो ठानी है कि वो नरेंद्र से जो उसकी असलियत है वजूद का वो पूरा छुपाने वाली है, तो इसमें उन्होंने सबको इन्वॉल्व तो कर दिया है और काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा भी देखने मिला है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? झूठ बोलना पड़ रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि भेद भी उतना ही बड़ा है और पूजा ने अपने ऊपर ले लिया है कि चंद्रिका जो है वो उनकी माँ है और इसमें मामा जी भी सपोर्ट कर रहे हैं पूजा को, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो सच है कि नरेंद्र चंद्रिका का बेटा है, इससे सिर्फ नरेंद्र ही नहीं पूरा परिवार टूट सकता है। तो इसीलिए आज पूजा जो है मामा जी के साथ ये सच, ये एक्चुअली झूठ, असली सच को छुपाने के लिए बोलने आई हैं व्यास परिवार में। तो जो हरीश हैं, जो पापा हैं नरेंद्र के, वो किस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें तो पता है कि चंद्रिका के साथ उनके जो भी रिश्ते रह चुके हैं पास में। नहीं, चंद्रिका के साथ हरीश के कोई रिश्ते नहीं रह चुके पास में। तो किस तरह से ड्रामा वगैरह भी आते हुए हमें दिखने वाले हैं? आगे बस पूजा यही कोशिश करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हरीश जी यानी कि पापा और नरेंद्र जो है वो दोनों सच तक पहुंच गए थे, चंद्रिका तक पहुंच गए थे, तो पूजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब उन्होंने सच को छू ही लिया था और एकदम पास आ ही चुके थे, तो उसे इसीलिए इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरी माँ है। और अभी फ़िलहाल पूजा विल स्टिक टू दिस फॉर एवर और शी हैज़ डिसाइडेड कि इतने बड़े भेद को छुपाने के लिए ये झूठ जो है वो अपने शी विल से दिस लाए।